लास्ट 5 सालों में अगर बात करें कि लोगों के दिमाग में जो था FD में इन्वेस्ट करना या फिर पैसे अपने हाथ में रखना, वो बहुत ज़्यादा घट गया है। अभी लोगों बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करने लगे हैं और बहुत सारे AMC कंपनीज अभी उनका जो AUM है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर लिया लास्ट 5 से 6 सालों के अंदर। और ये हो रहा है क्योंकि AMC कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी भी ओनली 6-7% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये बहुत लो है। और ये जब बढ़ता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तो ग्रो होगा ही होगा, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके जो बिजनेस को हेल्प करता है चलाने में, वो सारे कंपनीज भी ग्रो करने वाले हैं गाइस। और आज हम बात कर रहे हैं वैसे ही एक कंपनीज के बारे में, कैम्स के बारे में। सो गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं फिनलिंग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है और इंडिया का लार्जेस्ट RTA यानी कि रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एंड एज पर क्रिसिल रिपोर्ट्स, इसके पास 70% म्यूचुअल फंड्स एग्रीगेट मार्केट शेयर्स है। म्यूचुअल फंड्स का जो बेसिक से काम होता है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, उनका मेन बिजनेस होता है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके अच्छे खासे पोर्टफोलियो को बनाना और उससे उनको अच्छा खासा पैसा अमाउंट बना के देना, इन फ्यूचर उनके वेल्थ क्रिएट करना। सो बेसिक काम म्यूचुअल फंड का यही होता है। लेकिन जब बात आता है कि रिपोर्ट मेंटेन करना, डेटा मैनेजमेंट करना, वो सब काम वो खुद नहीं करते। कौन से क्लाइंट ने कितने पैसे भेजे, कहाँ कितना गया है, किस तरीके से डिविडेंड प्रोसेस करना है, क्या क्या पेमेंट ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूशंस हुआ है, ये सब चेक करने के लिए वो किसी और कंपनी को ये काम देता है। और ऐसे ही काम करता है कैम्स गाइस। यही ख़त्म नहीं होता, कैम बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज बिजनेस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज, बैंक एंड नॉन बैंकिंग जो सर्विसेज होता है, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज बिजनेस, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस पे घिरा हुआ है कैम्स। कैम्स के पास जो नेटवर्क है वो बहुत ही बढ़िया है, 25 से ज़्यादा स्टेट में काम करता है, 278 सर्विस सेंटर भी प्रोवाइड करता है और 5 यूनियन टेरिटरीज में भी काम करता है। इनके पास बहुत ही अच्छे खासे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कैम्स के फ्यूचर के बारे में, तो पहले ही बताया ये एक लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जिसका फ्यूचर बहुत आगे बढ़ने वाला है। और ये क्यों है, क्योंकि जिस तरीके की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा इंडिया नहीं गया है, अभी नेशनल स्टेज पे। और ये जब मैच्योर स्टेज पे आएगा, जो इन्वेस्टमेंट अभी 6-7% लोग करते हैं वो बढ़ के 15-20% होगा, एक लंबा सफ़र है। और कैम्स जैसे कंपनी के पास एक बहुत बढ़िया मार्केट अपॉर्चुनिटी है, पहले तो एक मार्केट लीडर है, सो मार्केट को पहले से ही लीड कर रहे हैं। और इनके साथ जो क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, और भी अगर बात करें पराग परेख, सो बहुत सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर अगर इन जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ हैं तो फ्यूचर भी कितना ब्राइट होगा आप सोच सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ICICI को भी ले लो। सो ICICI प्रूडेंशियल भी बहुत ही कंटिन्यू अच्छा ग्रो कर रहा है, और मेरा एक ICICI के एक म्यूचुअल फंड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बाद में वो बताऊँगा क्योंकि म्यूचुअल फंड की सीरीज़ भी अभी बाकी है। सो अगर बात करें, ये जो फ्यूचर है म्यूचुअल फंड्स और AMC कंपनी का बहुत ब्राइट दिख रहा है, और अगर इन जैसे कंपनीज आगे बढ़ता है तो ये कैम्स को आगे खींचेगा, ये बढ़ता है तो कैम्स को भी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। और बेसिकली अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात करें कि कैम्स अभी अगर बात करें 300 बिलियन टेराबाइट का डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके डाटा, समझ सकते हो किस लेवल पे काम हो रहा है। और ये बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, ऐसे आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा डाटा बन गया है, अभी तो नेशनल स्टेज पे है, इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है कैम्स के साथ और कैम्स कितना आगे बढ़ेगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो जस्ट। और अगर इनके मार्केट शेयर्स तो 70% के आसपास हैं, और क्या ये बढ़ा पाएगा इसकी बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज
चाहते हैं कि एक ट्रस्टेड कंपनी को अपना जो काम है वो दिया जाए। सो कैम्स जैसे कंपनीज के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए ये मार्केट। ऊपर से अगर एक और बात कहें कि कैम्स के लिए जो कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जहाँ से एप्लीकेशंस को यूज़ करना बहुत ईजियर है, और वहाँ से आप पूरी तरीके से अपना होल्डिंग्स का परसेंटेज कितना इन हुआ कितना आउट हो रहा है ट्रांजैक्शन सब कुछ आप बहुत ही अच्छे से आप चेक कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो कंपनी तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फ्यूचर ब्राइट है गाइस। अगर अभी हम कैम्स के करंट मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 15,306 है और करंट मार्केट प्राइस है 3,135 रुपये और हाई था 4,067 रुपीज़ और लो था 1,260 रुपीज़ और करंट पी है 57.4 का, बुक वैल्यू है 93.9 का, ये अपने बुक वैल्यू से बहुत हाई है अभी इसका प्राइस, और डिविडेंड यील्ड है 0.84% का, आरओसी ज़बरदस्त है 57.7% का, आरओई है 44% का और फेस वैल्यू है 10 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 30.96% का होल्डिंग्स है जो कि था 30.98, अभी रिसेंटली जून क्वार्टर में 0.02% रिड्यूस किया गया है। अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 28% से भी ज़्यादा का था सितंबर 2020 में, लेकिन अभी है 22% और ये थोड़ा सा नीचे गिरा था दिसंबर एंड मार्च पे, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है रिसेंटली जून क्वार्टर। अगर बात करें DIs की होल्डिंग्स 32% था इन सितंबर 2020, वो कंटिन्यू डिग्रोथ पे है, मतलब रिड्यूस किया है अपना शेयर होल्डिंग्स, और अभी जून 21 पे उसका शेयर होल्डिंग्स है 21.83%। अगर FIs की बात करोगे तो पूरा उल्टा कहानी है, 8% के पास सितंबर 2020 में था लेकिन वो 22% कर दिया गया था दिसंबर 2020 में, और वो 23% हुआ मार्च पे, और अभी जून क्वार्टर में 25% किया, जितना मिल रहा है उतना उठा रहे FIs, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से FIs यहाँ पर मतलब बाइंग कर रहे हैं। वही अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग्स को 12.69 से 11.07% तक डिक्रीज़ किया है और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी डिक्रीज़ हुआ है 18 से 16 हो गया 16 हो गया। अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र देंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स 318 था 2011 को, वो बढ़ के 722 हो गया 2021 को, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे 27% से लेकर अभी 42% का एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अभी मेंटेन कर रहा है, इसको अगर मेंटेन करते हैं और सेल्स ग्रोथ ऐसा आते हैं तो इन फ्यूचर इस कंपनी मतलब फ्लाई करने वाला है, आप पकड़ लीजिए। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 85 था, वो 336 तक आ गया है, मतलब बहुत ही अच्छा है, और नेट प्रॉफिट था 59 का, अभी वो 267 तक आ गया है। EPS की बात करें 12 था, वो थोड़ा बीच में नेक्स्ट ईयर गिरा था, उसके बाद कंटिन्यू धीरे 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 बढ़ता गया, अभी 54.64 हो गया है, मतलब EPS भी ऑलमोस्ट 5 times के आसपास हो चुका है। कंपनी का जो सब कुछ अगर इस बैलेंस शीट पे देखोगे सब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। ऊपर से देखोगे लास्ट 2 सालों में जो आधार इनकम है वो भी बहुत बढ़ा है कंपनी का। यहाँ पर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस, तो एक दिन में ये 9.28% गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया आज, और एक हफ्ते की बात करें तो 0.28% ही गिरा है। अगर एक महीने की बात करें तो 3.13% नेगेटिव है, लेकिन एक साल में 120% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर चुका है कंपनी और आगे भी करेगा, और ये बेसिकली एक ही साल हुआ है। कंपनी का लास्ट 5 सालों का रिजल्ट देखिए तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 1.86% था एक साल में, और अभी 5 सालों की बात करें तो 11.92%। सो लास्ट कुछ सालों से सेल्स ग्रोथ बहुत एवरेज है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ 33.46% है एक साल में, जो कि 5 साल में 21.13% है, जबकि अगर प्रॉफिट की बात करें तो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। आरओई की बात करें तो आरओई भी बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है, 46.4% हो गए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स का था 36.83% और 3 ईयर्स का था 37.22%। और आरओसी की बात करोगे तो देख सकते हैं आरओसी भी एक सालों में 59.88% है, जबकि अगर बात करें 3 सालों का 52.23% और 5 सालों का है 53.11%, मतलब ROC और ROE बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है।
तो अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, आप इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड है कंपनी का आरओई एंड आरओसी बहुत ज़बरदस्त है। आरओई करंट आरओई है 44% के आसपास का और आरओसी 57% के आसपास का, जो कि अमेजिंग है। और लास्ट 3 ईयर्स का आरओई 35% से ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर हम कंपनी का मतलब बिजनेस मॉड्यूल देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी मतलब टेक्नोलॉजी एनेबल काम करता है, जहाँ पर क्या होता है हाई स्केल पे अपना बिजनेस को इंक्रीज कर पा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ड्राइव दे रहा है कंपनी को। अगर हम कंपनी का रिस्क के बारे में बात करें तो पहला रिस्क आता है कि कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क जो कि होता है उसका बुक वैल्यू, वो 99 है और करेंटली ट्रेडिंग कर रहा है 3150 समथिंग पे। सो ये क्या दिखा रहा है कि कंपनी का जो मतलब बुक वैल्यू से 32 टाइम्स ज़्यादा अप ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि कंपनी जिस तरीके से मतलब सेल्स ग्रोथ करना चाहता है वो हो नहीं रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत पोर है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर्स, बहुत एवरेज है, जबकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ को और भी अच्छा होना चाहिए एज़ पर एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके का है कंपनी के ऊपर। अगर बात करें कंपनी का पी जो कि थोड़ा सा हाई है इन कम्पेयर टू अदर्स, क्या गलत क्या सही मुझे पता नहीं गाइस, बट कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं कि इस शेयर को बाय करने में कोई हर्ज नहीं, नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा मैं टेक्निकली अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि इसका 2 सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। सो यहाँ पर एक बाइंग है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बाइंग है फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 4000 के ऊपर का टारगेट आप सोच सकते हो, 3500 पहला और सेकेंड टारगेट 4000 के आसपास का आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आराम से हो जाएगा, इतना जा सकता है ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हो आप। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी जैसा ग्रोथ अभी दे रहा है वैसा ही सिमिलर टाइप का रहे तो इसका शेयर प्राइस विद इन 5 ईयर्स 9500 तक जा सकता है, 3 टाइम से भी ज़्यादा हो सकता है गाइज। और अगर ये कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रोथ हो गया, लाइक कुछ चीज़ों की वजह से यह कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जितना जा रहा है, तो भी इस शेयर का प्राइस 6950 तक जा सकता है गाइस। और सपोज़ ये कंपनी का परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जैसे इंक्रीज़ हो रहा है और ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, इसके टॉप का जो पी है अभी का 77 तक गया था, और उस पी से अगर मैं इसका मतलब प्राइस का कंपेयर करके देख बताऊँ कि इतना 5 ईयर्स पे एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है, तो गेस गाइस, सो ये प्राइस जा सकता है 22150 रुपये तक, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स इसका प्राइस बढ़ सकता है गाइस विद इन 5 ईयर्स। सो आपको क्या लगता है, बेसिकली इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चलेगा और हम लोगों का इसी तरीके का रिसर्च अगर आप चाहते हो तो गाइस सपोर्ट ज़रूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए और हम आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। सो थैंक यू।